Hello guys and welcome to the technical classes. So in this lecture we will discuss about how to use shell command. You can see here in the feature manager. तो यहाँ पर आपको एक नजर आएगा shell command, ये रहा हमारा shell command. तो इसका use क्या होता है कि remove material from a solid body to create the thin wall feature. तो जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको बॉटल का ना स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपने सॉलिड की तरह उसका एक्सट्रूड तो कर दिया लेकिन अंदर की जो सॉलिड मटेरियल है उसको रिमूव करना है. तो किस तरीके से तब है ना उसको रिमूव किया जा सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्लेन के साथ. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया है. अब एक यहाँ पर छोटा सा स्केच क्रिएट कर रहा हूँ. लेट सपोज कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड करके उसको शेल कमांड को अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से शेल किया जा सकता है. तो रैंडम डायमेंशन का मैंने कोई रेक्टेंगल लिया है. यहाँ पर फीचर मैनेजर के अंदर जाके क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सट्रूड को यूज में लूंगा. यहाँ पर लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर इसको 100 mm, कितना 100 mm तक एक्सट्रूड करना है. तो मैंने क्या कर दिया, 100 mm तक इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया. तो बॉडी कुछ इस तरह की नजर आ रही है. अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर थीन फीचर अप्लाई करना है. दैट सपोज कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, छेद करना है. आपने देखे होंगे ना टैंक्स वगैरह जो बंधे कॉन्क्रीट वगैरह के, तो उस तरीके की कोई एंटिटी मुझे क्रिएट करनी है. तो इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक अनाउंसमेंट है वो बता देता हूँ कि जैसे ही आप है ना यहाँ पर टेक्निकल क्लासेस के चैनल के ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर फीचर्ड चैनल के अंदर, यहाँ पर फीचर्ड जो चैनल होते हैं हमारे चैनल्स के अंदर है ना, एक चैनल नजर आएगा जीके ट्रिक्स का खजाना. तो जो भी लोग है ना जिनको लगता है कि सॉलिड वर्क हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि आगे हमको कुछ है ना डिफरेंट है ना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने, तो एक बार क्या करिएगा आप इस चैनल के अंदर जाइएगा. अगर लगता है ये आपके ना काम के चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करेगा. अदरवाइज यहाँ पर जाने के बाद एक चीज नजर आएगी आपको, यहाँ पर विशाल शर्मा करके एक और चैनल है यहाँ पर. तो इस वाले चैनल के अंदर तो जीके से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा. तो अगर अच्छा लगे तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूले. और दूसरा चैनल यहाँ पर है विशाल शर्मा करके, यहाँ पर आपको है ना सॉलिड वर्क्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी. तो ये देख सकते हैं सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल्स की एक है ना प्लेलिस्ट है. तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको नजर आएंगे कि हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिजाइन कर रखा है. लेट सपोज कि यहाँ पर क्या है कि सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल डिजाइन जायरोस्कोप, आपने ऑटोमोबाइल बॉडी के अंदर देखा होगा उसको हमने डिजाइन किया है. एक हमने यहाँ पर टी पोर्ट को डिजाइन करना सिखाया है. आपने फिजिट स्पिनर पहले देखा होगा कि है ना फिजिट स्पिनर घुमाने के लिए यूज में लगे थे, उसको डिजाइन करना सीखा हमने. पिस्टन एंड सिलेंडर असेंबली ने सॉलिड वर्क, तो बहुत सारे जितनी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है वहाँ की सारी डिजाइनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी. तो एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है. तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ. तो शेल कमांड को यहाँ पर अप्लाई करना था, तो क्या करेंगे, शेल कमांड के लिए किसी भी सरफेस को सेलेक्ट करना है. यहाँ पर शेल कमांड को सेलेक्ट करिएगा, फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है. अब मुझे पूछ रहा है कि ना ये कि शेल कहाँ पर करना है मुझे, कि बाहर करना है या इनवर्ड करना है, तो ये चीज़ मुझे पूछ रहा है. तो कोई भी डायमेंशन ले लेता हूँ. लेट सपोज कि मैंने 10 mm का थिकनेस ही देख के क्या कर दिया मैंने, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 3 mm की थिकनेस सेलेक्ट करता हूँ और शो प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा यहाँ पर. तो जैसे ही मैंने शो प्रीव्यू किया तो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से जितना मटेरियल था उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. जैसे ही मैं ओके पर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक एंटिटी इस तरह की हमारे कंटिन्यू आ जाएगी. आपने टैंक्स वगैरह देखे होंगे, गिफ्ट बॉक्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए यूज में लिया जाता है. तो इस तरह की एंटिटी अगर बनानी है, आपको थिकनेस वगैरह देनी है बॉडी की, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के एंटिटी को शेल कमांड को यूज में लिया जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने कोको कोला वगैरह की बॉटल्स वगैरह यूज में ले होंगी, तो उन एंटिटी को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो शेल कमांड से ही किया जाएगा. एक छोटा सा स्केच को क्रिएट करूंगा यहाँ पर, एक सेंटर लाइन लेता हूँ मैं सबसे पहले. ओके, प्लेन को सेलेक्ट करना होगा. तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक है ना टॉप प्लेन, तो एक सिंपल सी लाइन को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर. अब इस लाइन के अराउंड एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे, तो रैंडम सी एंटिटी बनाता हूँ मैं यहाँ पर और उसको देखेंगे किस तरीके से बॉटल्स वगैरह होती है उसको हम इस कमांड को यूज में लिया जा सकते हैं. तो स्प्लाइन लिया है, स्प्लाइन के थ्रू एक छोटी सी एक ऐसी एंटिटी क्रिएट करेंगे, ऑब्सो कि वो हमको बॉटल की तरह नजर आए या पॉट की तरह, है ना. तो लेट सपोज मैं यहाँ पर पॉट की एक एंटिटी को क्रिएट कर लेता हूँ. फ्लावर पॉट हमने पहले भी देखा था. शेल कमांड को अप्लाई करके देखना है किस तरीके से हम शेल कमांड को क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं.
तो ये कुछ ऐसी एंटिटी मैंने क्रिएट की है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवॉल्व कमांड यूज में लेकर मुझे एक सॉलिड एंटिटी कन्वर्ट करनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एंटिटी को मुझे क्या करना है, रिवॉल्व कराना है। तो देख सकते हैं कि ये रिवॉल्यूशन, ओके, एक्सिस वगैरह इसने गलत ले लिए हैं, तो चेंज करना होगा इसको। तो रिवॉल्व बॉस या बेस, अब ये पूछेगा कि यहाँ पर लाइन थी एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको डिलीट करिए यहाँ पर एक बार, और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कौन सी हो जाएगी मेरी, इस लाइन को एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन लिया तो ये मेरी एक सॉलिड एंटिटी क्रिएट हो चुकी है। अब इस एंटिटी को ये तो पूरी फुलफिल होकर रखी है, ये पूरी सॉलिड बॉडी है। अंदर से मुझे क्या करना है, इसी बॉडी की तरह अंदर से शेल कमांड यूज में लेना है, अंदर से मुझे इस बॉडी को थिकनेस देनी है। तो सिंपली इस शेल कमांड को यूज करेंगे, सरफेस को सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू हमको क्या करना है, शेल को अप्लाई करना है। और यहाँ पर थिकनेस लेट सपोज मैं कितनी कर रहा हूँ, 2 mm की थिकनेस देनी मुझे, और यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा शो प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि 2 mm की सरफेस, जब मैंने सिमेट्रिकल बॉडी थी तब भी मैंने अगर थिकनेस ली तो वो क्या करेगा, 2 mm की थिकनेस रहने देगा, और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल या फिर कर्वी लीनियर मैंने सरफेस लिए तो यहाँ से ऊपर से भी 2 mm और नीचे से भी 2 mm कट करके एक एंटिटी को क्रिएट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की एंटिटी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी हमारी। तो ये बॉडी अगर आप देखेंगे एक्सट्रूड कट से आप क्या कर सकते हैं, सीधा अगर आपको कट मारना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी सरफेस के फिक्स थिकनेस देनी है तो आप क्या करेंगे, शेल कमांड को यूज में लेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि शेल कमांड का हमारा क्या यूज होता है। और थोड़ा सा अगर इसको अच्छा दिखने के लिए करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस वगैरह भी ले सकते हैं इन चीज़ों का। तो अप्लाई करके देख लेते हैं थोड़ी सी हमारा पॉट किस तरीके का नजर आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कलर्स के अंदर भी, टेक्सचर के अंदर भी। लेट सपोज कि मैंने ये क्या कर दिया, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने किया तो अंदर की पूरी सरफेस पे कलर हो चुका है। अगर आपको बाहर की सरफेस पे भी कलर करना है तो अगेन आप क्या करिए, ये जो बाहर वाली सरफेस है उसको सेलेक्ट करिए, तो बाहर वाली सरफेस पे भी हमारा क्या हो चुका है, टेक्स्चर हो चुका है। तो इस तरीके से हम अगर आपको पर्सनलाइज भी करना है किसी चीज को तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको कोई भी ऐसी शेप है आप है ना शेल कमांड के थ्रू बना सकते हैं। तो और भी आपके मन के अंदर है ना डेली रूटीन के अंदर जो भी चीज़ आपके माइंड के अंदर आती है एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और जो मैंने आपको चैनल के बारे में बताया एक बार वीडियोस को उसको देख लीजिएगा, उसके बारे में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज़।